जेपी का गढ़ कहे जाने वाली विधानसभा सीट से बीजेपी के 5 बार के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने नामांकन फॉर्म भरा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बाली पहुंची और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए राजे सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसी। उन्होंने सरकार पर जनता को ठगने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी एक बार फिर से के नारे के साथ राणावत के समर्थन में वोट करने की अपील की। थोड़ा सा ये भी हो जाएगा तो सोचा कि मैंने कहा था मत सोचो ना लगा। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो मच्छी की आंख है उसके ऊपर अपने को आंख लगा के रखना है, क्योंकि अगर वहां से आंख हल्की हिल गई तो मैं आपको बता सकती हूँ कि नुकसान अपना ही है। इसलिए आज मैं याद दिलाना यही चाहूंगी आप लोगों को कि कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्याएं हो गई है, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया है, बेटियों की इज्जत सड़क पर नीलाम हो रही है, 10,000-19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं, कितने सारे आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। जिसका जिला बनता है, 4 पंचायत समिति है, 3-4 तहसील है, 6 नगर पालिका है हमारे पास। यहाँ एडीएम की पोस्ट आपके हाथों से आपके एडीएम की पोस्ट गई थी। एसपी की पोस्ट पर था हमारे धर्म सिंह साहब जो यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ में गई थी। हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, हम सब चीज होने के बाद हमारे यहाँ मतलब जिला सरकार ने खोला नहीं। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे ऊपर मतलब जिला खोलेगी सरकार, पर हमारे जिला नहीं खोला। एक दूध